राम राम बिरहे व्याकुल भरत सानुज सहित समाज पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। लखन श्री रामचंद्र की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहनाई करके इनके श्रम को दूर करो। श्री राम रिधि सिधि सिर धरी मुन बड़े बानी बड़े भागिन आपहु अनुमानी कहीं परस पर सिर समुदाई अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद कराई सोई आजू मुनिपद बंध कराई सोई आजू हो सुखी सब राज समाजू आस कह रच और चर ग्रह नाना जही बिलू के बिल खही बेमाना। श्री राम अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा सा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। श्री राम भोग विभूत भूरे भरी राखे देखत जे नहीं अमरे अभिलाषे दीस दासी दास साजु सब लीन है जोगवत रही मन ही मनुदीन है। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते। श्री राम सब समाज सज सिद्ध पल माही जे सुख सुर पुर सपन हुनाही प्रथम ही बास दिए सब के ही सुंदर सुखद जथा रुचि जे ही जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं। ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो सब उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। श्री राम बहोरे सपरिजन भरत कहो ऋषि से आय सुदीन विधि विस्मय दायक विभव मुनि बर तप बलकीन। लखन श्री रामचंद्र की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला व्यवहार रच दिया। श्री राम मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लघु लगे लोक पतिलोका सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत बिरति बिसारहिं ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री वर्णन नहीं हो सकती जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग भूल जाते हैं। श्री राम आसन सयन सुबसन बेताना बन बाटिका बेहग मृग नाना सुरभि फूल फल अमय समाना बिमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय
आसन पाने सोच अमय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से सोर सोर भी सोर तारु सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सची के तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष की भांति सकुचा रहे। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अभिलाषा करते हैं। श्रीराम ऋतु बसंत बहत्र बध बयारी सब कहो सोलभ पदार्थ चारी स्रक चंदन बनिताद के भोगा देखी हरस विषमय बस लूगा। बसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो गए। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात का होता है कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन बिन व्ययम व्रतों को ना त्याग दे। श्री राम सम्पति चकाय भरत चकाय मुनि आयस खिलवार तहिन से आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। लखन श्री रामचंद्र की जय। अवनसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुसाई तुलसीदास की जय। बुलबाई सब संतन की जय।